और इस भागवत की महिमा के विषय में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भागवत वेदों के तुल्य है। एक बार ऐसी घटना घट गई जयपुर के अंदर कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से जयपुर में भगवान श्री गोविंद देव जी की उपासना होती है, पूजा होती है। तो उस समय के जो जयपुर राजा थे उन्हें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास संदेश भेजा कि महाराज ये लोग कह रहे हैं कि गौड़ी वैष्णव तो प्रमाणिक नहीं है, इनकी भागवत की अपनी व्याख्या नहीं है, इनकी वेदांत की व्याख्या नहीं, वेदांत सूत्र की व्याख्या नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत वृद्ध हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को वृंदावन से भेजा और जो लोग ऐसा कह रहे थे उनसे बातचीत हुआ, राजसभा बैठी और उन्होंने कहा कि हमने चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रीमद् भागवत को वेदांत सूत्र की जो प्राकृतिक व्याख्या है उसके रूप में स्वीकार किया है, इसलिए हमारे संप्रदाय में भागवत की अनेक व्याख्याएं हैं लेकिन वेदांत सूत्र के ऊपर व्याख्या लिखने की किसी ने आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन वो तो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए बलदेव विद्याभूषण जी ने थोड़े वक्त का थोड़ा सा उनसे वक्त मांगा और बोला थोड़ा हमें समय दीजिए और थोड़े से समय के अंदर आप जब किताब पढ़ते हैं भगवद गीता उसमें क्या लिखा रहता है, गोविंद भाष्य के अद्भुत प्रणेता श्री बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित। उस थोड़े से वक्त के अंदर बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य की रचना की, वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हुए अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझाया और कहते हैं जब उस सभा में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया तो जो लोग विरोध कर रहे थे वो उनके चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे और उन्होंने कहा कि आप हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए।